ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం సాయి రక్షక్ శరణం దేవా. మేరే ప్రియ సాయు బంధు, చలియే హమ్ సబ్ మిల్కర్ అనంత కోటి బ్రహ్మాండ నాయక్ సద్గురు శ్రీ సాయి బాబా కో సాదర్ ప్రణామ్ కర్తే హై ఔర్ అప్ని కృతజ్ఞత ప్రకట్ కర్తే హై, క్యూంకి ఇస్ బ్రహ్మాండ కే అనేక సృష్టియో మే సబ్సే శ్రేష్ఠ సృష్టి మానవ సృష్టి హై జో హమే మిలీ హై. యహీ నహీ, ఇస్ మానవ సృష్టి కా హమ్నే బహుత్ అచ్చా ఉపయోగ్ భీ కియా హై, క్యూంకి హమ్నే సాయి బాబా కో అప్నా సద్గురు మానా హై ఔర్ హమ్ ఉన్కే భక్త్ బనే హై. సునందా కీ తరఫ్ సే ఆప్ సబ్ కో ప్రణామ్ ఔర్ ఓం సాయిరామ్. ఆజ్ మే అప్నా మేరా అప్నా అనుభవ్ ఆప్కే సాథ్ ఇస్ ఆడియో ద్వారా బాంట్నా చాతీ హూం. మే ఔర్ మేరే పతి ఘూమ్నే కే లియే సాల్ 2012 మే థాయిలాండ్ గయే. एक गुरुवार का दिन था, हम दोनों थाईलैंड में दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए निकल चुके थे. उस दिन काफ़ी गर्मी थी और हवा बिल्कुल नहीं थी, पसीने छूट रहे थे और इस कारण बुरी तरह से थक चुके थे हम दोनों. मेरे पति को मुझसे ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी. दोपहर के 1 बज गए थे और दूर दूर तक कहीं भी कोई इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा था. अनजाने जगह में बिना किसी गाइड के घूमना या फिर कोई काम खोजना बहुत मुश्किल की बात है. तब हमने एक टुक टुक को बुलाया. यहाँ का जो ऑटो रिक्शा है वहाँ का टुक टुक है, और उस टुक टुक ड्राइवर से हमने बोला अंग्रेज़ी में कि हमें किसी इंडियन होटल के पास ले जाएं ताकि हम कुछ खा सकें. लेकिन उस ड्राइवर को ना हमारी भाषा समझ में आई और ना हमें उसकी भाषा, तो उसने हमें एक चौराहे पर वो ले आकर हमको छोड़ दिया उसने. तो अभी यहाँ से क्या करना है हमारे समझ में नहीं आ रहा था. वक्त गुजरता गया और 2 बज चुके थे और मेरे पति को खूब भूख लग रही थी और भूख के कारण चक्कर भी आ गया. मैं बेचैन होने लगी और निस्सहाय अवस्था में थी. उस चौराहे पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर मैंने साई को पुकारा और राह दिखाने की विनती की. मैं आंख बंद करके बाबा से चमत्कार करने की विनती कर रही थी. उस समय मुझे किसी ने पीछे से बुलाया. वे एक बूढ़ी महिला थी. वे पंजाबी थी. उनके हाथ में एक कैरी बैग था जिसमें 2 रोटी और सब्जी थी. उन्होंने उस कैरी बैग को मेरे हाथ में देते हुए कहा, आपके पति को खिलाना. उन्होंने मेरे साथ हिंदी में बात किया. वे कैसे जानते थे कि मुझे हिंदी मालूम है, क्योंकि शक्ल से और कपड़ों से तो मैं मद्रासी लगती हूँ. मैं हर्षित हुई और उन्हें धन्यवाद भी किया. फिर मुझे लगा कि वे उनका खाना हमें दे रही हैं. फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि वे मुझे किसी रेस्टोरेंट का पता बताएं. वे इतनी अच्छी थी और मुझे लगा कि एक वक्त पर बाबा ने ही उन्हें मेरे लिए भेजा. उन्होंने एक टुक टुक को बुलाया और हमें साथ लेकर निकल पड़ी. वे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी बूढ़ी थी, और मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने उन्हें बहुत परेशान किया. कुछ ही देर में वे हमें सागर नाम के रेस्टोरेंट लेकर गई. मैंने उन्हें भी अंदर हमारे साथ आकर खाना खाने का निमंत्रण दिया. वे अंदर आई. जैसे ही मैं मुख्य दरवाजे के पास गई तो मेरे खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि सामने साईं बाबा का बहुत बड़ा फोटो लगा था. एक अनजान देश में जैसे ही मैंने बाबा की कृपा को बरसाने की मांग की, उन्होंने तुरंत ये चमत्कार किया और इस रूप में प्रकट हुए. उस बूढ़ी अम्मा के वेश में और उस रेस्टोरेंट तक वो हमें लेके आए ताकि हमें वक्त पे भोजन मिले. यही नहीं, उन्होंने उनके दर्शन भी करवाए. उस रेस्टोरेंट के मालिक से अम्मा ने कहा कि ये भारत से आए हुए हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, अच्छा सा खाना खिलाना. उन सत्पुरुष ने भी हमें बढ़िया खाना खिलाया और कहा कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे मेहमान हो. मेरे आंखों में आंसू आ गए. देखिए बाबा की लीला.
अपने बच्चों की भूख को कैसे मिटाते हैं। लेकिन मैंने उनके टेबल पर कुछ पैसे रख दिए, क्योंकि मैंने देखा खाना उन्होंने सिर्फ हम दोनों के लिए बनाया और कोई ग्राहक नहीं था। उस अम्मा से आशीर्वाद लिया और हम हमारे होटल को वापस चले आए। मेरी आप सब से विनती है कि अगर आप सच्चे दिल से बाबा को पुकारोगे तो बाबा दौड़ते हुए आपकी सहायता करने के लिए आ पहुंचेंगे। मैं बाबा की आभारी हूं और अपने आप को उनके चरण में शरणागत करती हूं। अगर आपको और हिंदी ऑडियो सुनने का मन करे तो साईलीलास.com विजिट कीजिए। ओम साईराम।